नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर, आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों मैं आज आप लोग के लिए फिजिक्स में लाया हूँ यूनिट यानी इकाई मात्रक। यहाँ पर देखिएगा मात्रक और इकाई, मैं आप लोग को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने वाला हूँ। चलिए बिना समय लेते हुए मैं आप लोग को समझाता हूँ। सबसे पहले भौतिक राशि के मापन के लिए चार पत्तियां निम्नलिखित है। भौतिक राशि जो होती है हमारी, उसके पत्ती के लिए चार पत्तियां निम्नलिखित है। पहले पत्ती को बोलते हैं सीजीएस पद्धति, है ना। ये सीजीएस पद्धति क्या है दोस्तों? तो सीजीएस पद्धति कहा जाता है, इसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक। इसमें क्या क्या होता है देखिएगा, इसमें लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है तथा समय होता है, यानी मात्रक होता है इसका। सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकेंड होते हैं। सीजीएस को बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, यानी सेंटीमीटर, ग्राम या सेकेंड बोलते हैं, जिसको हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। तो सीजीएस पद्धति में क्या क्या आता है भैया? तो लंबाई आता है, द्रव्यमान आता है, समय आता है, सेंटीमीटर आता है तथा सेकेंड आता है, है ना। ये सब आते हैं, इसी को हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक भी कहा जाता है। याद रहे कि इसे हम फ्रेंच भी कहते हैं या मीट्रिक कहते हैं। सीजीएस पद्धति को सेंटीमीटर और ग्राम सेकेंड भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। चलिए इस सीजीएस पद्धति का दूसरा का नाम लेते हैं हम एफपीएस। एफपीएस पद्धति क्या है? तो इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। जी हाँ, तो इस पद्धति में लंबाई आता है, द्रव्यमान आता है तथा समय का मात्रक फुट, यानी समय का मात्रक फुट, पाउंड और सेकेंड होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? एफपीएस पद्धति कहेंगे। जी हाँ, जिस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के साथ मात्रक फुट, पाउंड, सेकेंड होते हैं, उसे हम एफपीएस पद्धति कहते हैं। चलिए थ्री नंबर में बताता हूं एमकेएस पद्धति क्या है। जी, तो एमकेएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय, मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड होते हैं, उसे हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में क्या होते हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड होते हैं, इसको हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। चलिए पद्धति में सबसे लास्ट में बताता हूं एस आई पद्धति। जी, एस आई पद्धति क्या होती है? तो 1967 में जेनेवा ने अंतरराष्ट्रीय माप तौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। यानी 1967 में क्या हुआ था? जेनेवा अंतरराष्ट्रीय तौल महाधिवेशन में इसको क्या किया गया? एस आई पद्धति को स्वीकार किया गया। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। आज देखिएगा मैट्रिक में, इंटर में, जहां भी भौतिक में, सॉरी हाँ फिजिक्स में, भौतिकी में क्या करते हैं, इसको एस आई पद्धति को प्रयोग किया जाता है, है ना। इस पद्धति में सात मूल मात्रक होते हैं। जी, इस पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं? सात मूल मात्रक होते हैं। मैं सबको बताऊंगा, आप लोगों को, मेरी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो चलाकर देखिएगा, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से मैं बताने वाला हूं। तो इसमें क्या होता है, इस पद्धति में सात मूल मात्रक होते हैं और दो संपूरक मात्रक होते हैं, जिसको हम सहायक मात्रक भी कहते हैं। जी, इसमें सात मूल मात्रक होते हैं और दो संपूरक मात्रक होते हैं, जिस मात्रक को हम सहायक मात्रक के भी नाम से जानते हैं। आइए मात्रक के प्रकार के मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूं, बताता हूं मात्रक के प्रकार। यह आप लोगों को दिख रहा होगा, तीन प्रकार होता है। पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है संपूरक मात्रक और तीसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो ये मात्रक के तीन प्रकार होते हैं, मूल मात्रक, संपूरक मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो चलिए आप लोगों को फर्स्ट में बताता हूं कि मूल मात्रक किसे कहा जाता है, है ना। इसमें क्या क्या चीज आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मूल मात्रक बताते हैं, मूल मात्रक क्या है। तो ऐसे मात्रक जो मूल राशियों में संबंध, है ना, संबंध हो, मूल मात्रक कहलाते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल राशियों में क्या होता है, संबंध बनाता है, संबंध होता है, उसको मूल मात्रक कहे जाते हैं। आइए भौतिक राशि और एसआई के मूल मात्रक और संकेत के बारे में बताता हूं कि ये क्या होते हैं। तो लंबाई, लंबाई जो होती है, किस लंबाई का जिसे मापा जाता है, तो मीटर से मापा जाता है। लंबाई को मीटर से मापा जाता है, जिसका संकेत एम से सूचित करते हैं। द्रव्यमान, किसी भी चीज की द्रव्यमान जो होती है, किसी भी चीज की द्रव्यमान होती है, तो उसको किलोग्राम से मापा जाता है। मान में चलिए कि
मुझे दही लेना है ना, तो 1 केजी लेना है कि कितना केजी लेना है, तो उसका काचे से मापन होगा, है ना, किलोग्राम से, केजी से मापन होगा, जिसको हम लोग संकेत में केजी से कहते हैं। कोई भी चीज को माप, मान लो चलिए बालू को माप, बालू को किलो से थोड़ी ना मापेंगे, है ना, दही को माप सकते हैं, इतनी सी बहुत सारी चीज है जो इसको हम क्या करते हैं, मापते हैं, जैसे कि चीनी हुआ, ये सब अनाज हुआ, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किलोग्राम द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान मापने के लिए किलोग्राम की जरूरत होती है, केजी की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार से समय, समय मान के चलिए कि 1 घंटा हुआ 2 घंटा हुआ, तो सबसे पहले सेकेंड चलता है तब ना घंटा में होता है, यानी 1 घंटा 2 1 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स, यानी सबसे पहले सेकेंड, यानी घड़ी में सबसे पहले सेकेंड चलता है, तब मिनट बनता है, तब जाकर ना घंटा होता है, तो सबसे पहले सेकेंड होगा, है ना, तो समय बनने से पहले सेकेंड चलता है, तो यानी समय का ऐसा ही मूल मात्रक होता है, क्या चीज, सेकेंड होता है, जिसको हम लोग संकेत एस से सूचित करते हैं। ताप, किसी भी चीज की ताप मानी तापमान, है ना, गर्मी, हीटिंग, तो तापमान को मापने के लिए केल्विन की जरूरत होती है, जिसका संकेत के से सूचित करते हैं। विद्युत धारा, जी आपके घर में बिजली होगी, है ना, ये विद्युत जो है, ये धारा, विद्युत धारा जो प्रभावित करती है, तो मान के चलिए कि आप स्टेबलाइजर रखे हैं घर में और उसका फ्यूज उड़ जाता है, तो आप जाते हो फ्यूज लेकर, छोटा सा फ्यूज होता है ना, तो उस फ्यूज को आप लेकर जाते हो, तो कहते हो भैया 1 एम्पियर के दीजिए, 3 एम्पियर के दीजिए, 5 एम्पियर के दीजिए, उसका फ्यूज कंडक्टर जो होता है, जी, तो विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर की जरूरत होती है, यानी ए से सूचित किया जाता है, संकेत इसका ए होता है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता जो है, मान के चलिए कि ये क्या है आपका, तो ये मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती को दीपावली का दिन आ रहा है ना जी, मोमबत्ती ये रोशनी देती है, तो ये ज्योति देती है, प्रकाश देती है, तो इस तीव्रता को मापने के लिए क्या चीज की जरूरत होगा, कैंडेला, मान के चलिए कैंडेला मतलब वो क्या, कैंडेला मतलब कैंडेला का क्या होता है, मोमबत्ती होता है, ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडेला का, यानी सीडी, कैंडेला से मतलब कैंडेल, याद रखिएगा मोमबत्ती, ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मूल मात्रक होता है कैंडेला, जिसको सीडी से संकेत इसका सीडी होता है। अब पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण जानना है, तो मोल, मोल इसका एसआई मात्रक होता है, मोल मतलब इंग्लिश में बोलते हैं छुछुंदर, है ना, वो मोल नहीं, मोल मतलब, ठीक है, तो इसको MOL से सूचित किया जाता है, इसका संकेत MOL होता है। चलिए अब आप लोगों को संपूरक मात्रक के बारे में बताता हूं, तो समतल कोण तथा, सबसे पहले संपूरक मात्रक बताने पर एक चीज बता देता हूं कि समतल कोण तथा घन कोण ऐसी दो राशियां हैं जो ना तो मूल राशियां है और ना ही व्युत्पन्न राशियां हैं। बता दो कि समतल कोण घन कोण ऐसी राशियां हैं जो ना तो मूल राशि है और ना ही वो क्या है, व्युत्पन्न राशि, ना ही ये मूल राशि है और ना ही व्युत्पन्न राशि है। कहा जाता है कि विशिष्ट वर्ग, विशिष्ट वर्ग संपूरक राशियों के अंतर्गत रखा गया है, इसको विशिष्ट वर्ग संपूरक राशियों के वर्ग क्या क्या अंतर्गत रखा गया है, इन्हीं के मात्रक को, इन्हीं के मात्रक को क्या कहेंगे हम, संपूरक मात्रक कहते हैं। चलिए संपूरक मात्रक राशियां, संपूरक मात्रक राशियां और संपूरक मात्रक और संकेत इसका भी बताते चलता हूं। पहला होता है समतल कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन एंगल, है ना, तो प्लेन एंगल को रेडियन, यानी समतल कोण को संपूरक मात्रक इसका होता है रेडियन, जी हाँ, इसको रेडियन बोलते हैं, और रेडियन जो होता है इसका संकेत किससे लिखते हैं, आरएडी से लिखा जाता है। चलिए दूसरा का बताता हूं, घन कोण, घन कोण को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड एंगल, तो जी सॉलिड एंगल को एस्टेरेडियन के नाम से जानते हैं, एस्टे रेडियन के नाम से जानते हैं, इसको एसआर से, इसका इसका एसआर संकेत होता है, इसको एसआर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बता दूं कि समतल कोण और रेडियन, यानी बताया हूं घन कोण, तो इसका तो मैं संपूरक मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का संपूरक मात्रक एस्टे रेडियन होता है, तो रेडियन किसे कहा जाता है, तो यहां पर मैं बता दूं कि एक रेडियन वह कोण है, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित रहता है, उसे हम रेडियन कहते हैं। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर क्या करता है, अंतरित करता है, उसे हम रेडियन कहते हैं।
दूसरा का बता दो कि स्टेरेडियन क्या है, तो एक स्टेरेडियन वह घन का कोण है जो गोले के पृष्ठ का वक्र भाग गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, उसको हम स्टेरेडियन कहते हैं। गोला जो होता है ना, गोले के भाग जो होते हैं उसके केंद्र पर क्या करता है, ये अंतरित करता है, उसको हम स्टेरेडियन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए ये। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं इसका क्या बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक का मैं इसका पार्ट टू में वीडियो दूंगा, तब तक आप लोग का स्क्रीन शॉट ले लीजिए।